आसाम भोटांग चा बागन हरियर हो, कौन देश से आलै रे, कौन देश से आलै रे चा के बगनिया। आसाम भोटांग चा बागन हरियर हो। সুষমা গুড়িয়া চাষি নাম্বার জিরো গোলপাড়া টিম, নীলু তিরকে চাষি নাম্বার সিক্সটিন, কুলশান খাতুন চাষি নাম্বার থার্টিন, নীলুতা টিকা চাষি নাম্বার সেভেন, শকুন্তলা ওরাল চাষি নাম্বার সিক্স কাপ্তান অফ দ্য টিম, সুজাতা কেরকাট্টা চাষি নাম্বার এইট। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे जब प्रैक्टिस करने शुरू की घर पे, तो हाफ पैंट पहन के निकलती थी, तो हाफ पैंट पहन के निकलती थी तो यहाँ का मामी लगती है, चाची लगती है, वो तो हम लोग का समाज में वो लोग खाली साड़ी पहनती थी, तो वो लोग मुझको मुख में बोले नहीं सकते थे, मतलब साइड में बोलते थे कि तुम फुटबॉल खेलेगी, हमारे समाज में क्या लड़कियाँ हाफ पैंट पहन के खेलेगी, हाफ पैंट पहनना हमारे लिए बहुत मुश्किल की बात है, तुम्हारे कभी शादी नहीं होगी, तुमको कोई शादी ही नहीं करेगा, तुम फुटबॉल खेलेगी मैदान में जाके, वो भी यहाँ पे हाफ पैंट पहनने से शरीर का आधा अंग दिखाई देगा, तुम तो हम लोग का मुंडा समाज का लड़की है, हम लोग का समाज में तो ये लड़की मतलब खेलना तो क्या, पढ़ना भी यहाँ पे हम लोग के लिए असुविधा है, फिर भी हम लोग पढ़ा रहे हैं। आस पड़ोस के आदमी लोग बोलते थे तुम लोग फुटबॉल खेलना अच्छा बात नहीं है, ये लड़का लोग का गेम है, तुम मत खेलो, हाफ पैंट पहन के निकलना अच्छी बात नहीं है लड़के लोग के लिए, वही शादी के लिए ही बात आती थी, घूर फूर के वही शादी की बात आती थी, तुम लोग के साथ कोई शादी नहीं करेगा, कुंवारी रह जाओगे तुम लोग, इससे अच्छा है मत खेलो बोल के। जब हम मैदान में जाते थे तो हम लोग को भैया सब नहीं खेलने देते थे, क्योंकि हम लोग लड़की हैं इसलिए नहीं खेलने देते थे, हम लोग को बहुत इच्छा होता था कि हम लोग खेले, हम लोग का अब मैदान है तो हम लोग भी खेलना चाहते थे उसी मैदान में, और मैदान एक ही है, इधर उधर नहीं जा सकते थे, हम लोग को वहीं पर खेलना है तो हम लोग को नहीं जाने देते थे, तो हम लोग पास वाले जो बगान है वहाँ पर छोटा सा जगह था, उसमें कांच उच फेंकते थे, लेकिन उसी को साफ करके, कांटा सब होता था उसको साफ करके हम लोग यानी कि अपना टीम बनाए और खेले, हम लोग को वहीं से थोड़ा कॉन्फिडेंस हुआ कि हम लोग खेलेंगे, जहीं पर जहाँ भी खेलना है पर खेलना है हम लोग को, तो हम लोग खेलेंगे। मैं बहुत जिद्दी हूँ, तो मैंने सोचा बोलने वाले बोलते रहे हम लोग चलते रहे बोल के, ऐसा सोच के मैं खेलती गई। पूनम जब शुरुआत किए थे उस समय बोलते थे लाइन का आदमी, अभी खेला चालू किया है लोग को मिलेगा मेडल, बहुत बड़ा मेडल मिलेगा लोग को, ये लोग मतलब लड़की लोग का पढ़ाई डिस्टर्ब कर रहा है, ये लोग लड़की लोग को मतलब पढ़ने नहीं देगा, आगे बढ़ने नहीं देगा, ऐसा ऐसा बोलता था। अभी भी हम लोग का दुआस में आदि मानो अभी भी है जगह जगह में, कुछ बात नहीं समझते हैं उसको, समझाने जाने से मतलब जो समझाने जाने जो जाएगा उसी को वो लोग बुका बना देते हैं। उस समय बहन को मतलब जेंट्स लोग मर्डर करने के लिए रेडी था, क्योंकि इतना इतना लड़की को तुम घर में रख के तुम फुटबॉल खेलने के लिए ले जाते हो बोल के, तो बहन बोला कि ठीक है तुम लोग यदि हमको मारने चाहते हो मारो, हमको तो एकदम मरना ही है, लेकिन हमारा जो अभी जो टीम तैयारी हुआ है उसको तुम लोग तोड़ नहीं सकता। पहले भैया कैप्टन करते थे घर पे ही फुटबॉल का, तो भैया ले लेके जाते थे टीमों को, तो वो बॉल रह जाता था घर पे, तो भैया चले जाने के बाद में हम सोचते थे कि बॉल को देख के, या भैया जब प्रैक्टिस करते थे तो उसको भी देख के हम सोचते थे कि भैया फुटबॉल खेलते हैं तो हम भी फुटबॉल खेलेंगे तो कैसे होगा, तो लड़कियां भी तो खेल सकती है, तो उसके बाद हम सोचे कि नहीं हम भी खेलेंगे,
मैं स्कूल में थी जब क्लास फाइव में थी, तब मैं पहली बार देखी फुटबॉल कैसे खेलते थे उसको, क्लास फाइव में ही देखी थी, पर मुझको नहीं पता था फुटबॉल क्या है नहीं है। तो मैं क्लास सेवन तक वैसे ही चली गई, क्लास एट से खेली, पहली बार मैं एट में खेली थी। तो वहाँ से मुझे नहीं पता था कि मुझको बस बोलते थे कि बस मैदान में उतरना है और बस फुटबॉल को बस पोस्ट में घुसाना है, बस मुझको इतना ही पता था और कुछ नहीं पता था। जैसे कि खेलने नहीं जाने देते थे, एक बार चोट आई थी मुझे तो माँ बोली तुम खेलने मत जाओ, फिर भी मेरा इंटरेस्ट था बोल के मैं खिड़की से जाम करके भी भाग के गई खेलने के लिए। घर आई तो धुलाई तो मिला घर पे, बहुत सारा धुलाई मिला, फिर भी माँ को पटा ली मैंने। तो उसके बाद से भी कोई दिक्कत आई या फिर जाने दिया? फिर बाद में जब ट्रॉफी लेके आई उसके बाद बोला माँ बोली शाबाश बेटी ऐसे जाते रहो बोल के बोली, फिर बाद में दिक्कत नहीं आई मेरे को। पहले तो मतलब फुटबॉल का कुछ भी नहीं था, मतलब वो जमुड़ा से खेलते 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 जब मतलब स्कूल में पहुँचे, हम लोग के पास तो पैसा नहीं था ना 300 400 का फुटबॉल खरीदेंगे, इसीलिए 10 रुपये वाला वो प्लास्टिक का बॉल खरीद के प्लास्टिक लगा के बांध के उससे खेलते खेलते स्कूल में जाके स्कूल में फुटबॉल दिया, तो उसी वही फुटबॉल से फुटबॉल खेलते थे। फल होता है गोला करके फल होता है, उसी को बोलते हैं जमुड़ा, तो उसी से हम लोग फुटबॉल खेलते थे। वो खाने का चीज़ है मगर हम लोग फुटबॉल खेलते थे उसको, नहीं बॉल नहीं होने की वजह से खेलते थे जमुरा से। जमुरा में खेलने से पैर में लगता था, पैर लगने से फूल जाता था, बड़ा बड़ा फूल जाता था, इसलिए उसमें दिक्कत होता था हम लोग को। जैसे कि एक खिलाड़ी को खाना चाहिए उस तरह का हम लोग को फूडिंग नहीं मिलता है, तो हम लोग खेलेंगे कैसे? फिर भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं खेलेंगे बोल के, लेकिन जिस तरह का खाना चाहिए वो नहीं मिल रहा है ना। और उसके बाद जर्सी नहीं है तो वो भी भाड़ा पे लाना पड़ रहा है, जैसे बूट नहीं है वो भी भाड़ा पे लाना पड़ता है। तो ये सब अगर कहीं से हेल्प होता तो हम लोग के लिए अच्छा होता। लड़का लोग के टीम से ही मैनेज कर लेते हैं, तो लड़का लोग वो लोग बोलते हैं कि भाड़ा में ले जाओ बोल के, मगर वो लोग भी कभी नहीं बोलते हैं कि तुम लोग का हेल्प होगा ऐसे ही ले जाओ बोल के नहीं बोलते हैं, और भाड़ा पे ही ले जाओ बोल के बोलते हैं। भैया लोग तो आसानी से नहीं देते हैं, 10 बात सुनना पड़ता है, फिर भी हम लोग को ज़रूरत है तो लेना पड़ता है। हम लोग को बोलते हैं कि बूट क्यों ले रही है, खुद नहीं खरीद सकती है। लड़का लोग का पैर तो बड़ा रहता है ना, लड़की लोग का तो छोटा होता है ना, तो उसमें हम लोग वो क्या बोले कपड़े लगा के खेलते हैं, तो इसलिए हम लोग का असुविधा होता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए लेकिन होता है ऐसा, फिर भी हम लोग सोचे कि नहीं असुविधा होगा चलेगा, मगर हम लोग कपड़ा लगा के तो खेल सकते हैं ना, अपना प्रेस्टीज का बात है ना, इज्जत रखना पड़ेगा ना खेल के, क्योंकि हम लोग को खेलना है, नाम को आगे बढ़ाना है बोल के हम लोग गए और वहाँ पे विनर हुए और जीत के आए, तो हम लोग भाड़ा वो लड़का लोग को दे दिए। हाँ प्राइज मनी जितना था वो उन्हीं लोग के लिए देने पड़े, सी हम लोग के लिए रह गया ट्रिक ट्रॉफी। जो भी मिलता था हम लोग खा के हम लोग प्रैक्टिस करने जाते थे, जैसे आटा का रोटी हुआ वही हम लोग का तो घर पे बनता है, और उससे ज़्यादा हम लोग को प्रोटीन तो मिलता ही नहीं है, तो हम लोग प्रोटीन वगैरह छोड़ के भी हम लोग प्रैक्टिस करते थे। बहुत तकलीफ होता था खाने खेलने के बाद में, खेलने जब मैदान में उतरते थे तो हम लोग का चक्कर उकर आता था। जैसे कि मीट उट खाना चाहिए हम लोग को, वो सब नहीं मिलता है, बहुत गरीबी है हम लोग तो मिलेगा कहाँ से। गुस्सा तो बहुत आता है मगर हम लोग कंट्रोल करते हैं गुस्सा को, अब गरीबी है तो हम लोग कहाँ जाएंगे क्या करेंगे। मैं कभी कभी रो देती हूँ क्योंकि मैं बस एक बार ऐसा टाइम आया था जिसमें हम लोग भूसा का रोटी ही खाए थे,
हाँ ऐसा तो है, क्योंकि हम भूख भूख में भी फुटबॉल खेल सकते हैं मगर फुटबॉल नहीं छोड़ सकते हैं। खाना छोड़ सकते हैं मगर फुटबॉल नहीं छोड़ सकते हैं। एक्चुअली हम लोग को कोचिंग का बहुत ज़रूरी है, तो यहाँ पे कोई कोच नहीं है, तो यहाँ पे तो बड़ा बड़ा नेता सब है तो वो लोग भी हेल्प नहीं करते हम लोग के लिए, कुछ ये लोग को हेल्प करे कि क्योंकि वो लोग आगे बढ़ सके ऐसा कुछ नहीं है, तो हम लोग आगे भी बढ़ेंगे तो कैसे। गवर्नमेंट का पैसा जो लोग खेल कूद करता है उसके पास आता है, उसके कोच के पास आता है, तो बच्चे बहुत आगे जाएंगे, वो लोग खेल कूद में हमेशा आगे जा सकते हैं। ये मतलब सच्ची मैं बोलती हूँ कि हेल्प थोड़ा चाहिए हर किसी के पास। हाई कोई इतना हाई क्लास फैमिली से बिलोंग नहीं करता कि अपना एफर्ट अब खुद दे सके, लेकिन बच्चे खेल कूद में बड़ा हुनर है लेकिन आगे जाने का मौका नहीं है क्योंकि और सरकार की तरफ से जो आता भी वो बच्चों तक नहीं पहुंचता, ज़्यादातर तो पॉलिटिकल पार्टी खा जाता है। ये तो सही बात है, 100% नॉट रेडी। ये 100% दो साल पहले 2 लाख रुपये ये प्लेयर्स इलेवन का सेंक्शन हुआ पैसा, उसका वो पैसा का उन लोग शायद आँख में भी नहीं रहे, तो वो अगर 2 लाख मिलता था उन लोग का तो कम से कम ये जो बाहर में जो खेलने के लिए जाता है उन लोग का तो वो गाड़ी भाड़ा या ड्रेस खरीदना या बूट खरीदना या फूटिंग वगैरह वगैरह ये सब तो हो सकता था, लेकिन वही सब खा गया। लड़की मतलब जितना ही पढ़ाई कर ले, क्यों ना पायलट हो या फिर अंतरिक्ष यात्री हो या फिर कोई भी हीरोइन हो, वो लड़की दूसरा के घर में चूल्हा फूकने जाएगी ही जाएगी, उसको घर में पढ़ा के या फिर खिलाड़ी बना के कोई फ़ायदा नहीं है। मालूम नहीं क्यों होता है, वही तो मतलब लड़का सबको दे सकता है तो क्यों लड़की सबको नहीं देते हैं, लड़की सबको भी तो देना चाहिए। और मतलब लड़का सब चीज़ में आगे, लड़की सब भी तो अभी लड़का का बराबर ही है तो वो सबको मिलता है, तो हम लोग को क्यों नहीं मिले। हम लोग गरीब जरूर है लेकिन ये कर नहीं पाएंगे ये तो हम लोग नहीं सोचते हैं ना। जो एक दिन लड़का हमको बोला था तुम फुटबॉल खेलते इतना अच्छे हो लेकिन तुम नौकरी कब पाओगे ऐसा बोला, तो मैंने बोली जब भी मिलेगा मगर फर्स्ट टाइम मैं मिस्टी तुम्हें खिलाऊंगी बोल के, तो ऐसा बोल के एक दिन जब जिस दिन मेरा ज्वाइनिंग आया तो मैं उस दिन जाके उसको मिस्टी खिलाई। तो क्या बोला उसे, शाबाशी दिया और क्या बोलेगा, उसका सिर तो नीचा हो गया। बहुत सारे लोग बोलते हैं नौकरी क्या बोले फुटबॉल खेल के नौकरी नहीं होता, मगर मैं मानती हूँ क्योंकि मुझे मिला है ना। मैं नहीं सोची थी कि मैं नेशनल लेवल खेलूंगी बोल के, हम लोग का घर के उधर ही है वो सब बोलते थे लड़की हो के ऐसा करती है ये करती है तो ये नहीं सकेगी वो सब बोलते थे, लेकिन मैं बोलती थी देखना मैं आगे जा के दिखाऊंगी बोल के। और हम लोग का गांव में तो सब वो मतलब सब भैया सब बोल रहा था बाप रे तुम तो इतना दूर चली गई है, हम लोग का किसी का भी नाम नहीं उठा है पेपर में, लेकिन जिधर भी जाओ तुम्हारा ही बात होता है बोल के। और भैया सब भी बोला कैसा लगा उधर जाके, तो मैं बोली ठीक, और भैया सब बोला चलो आस्ते आस्ते करके तुम तो हम लोग का मतलब गाँव का वो नाम कर रहा है ऊँचा कर रहा है बोल के बोलता था। भवानी को अवार्ड मिला तो हमारे गांव के आदमी लोग दो मेरे सामने पड़ोसी हैं वो बोल रहा था ये कहाँ का लेके आया, बहुत कुछ बोला मुझे, पर उसके बाद में जो अवार्ड लेके आया भवानी मुंडा तो उस बाद में दो दिन बाद में उनको मिला, तो मैं उनको बोला कि देख तेरा बेटी तुम नाम कमाया या तेरा बेटी नाम कमाया, तेरा बीवी नाम कमाया क्या, मेरा बीवी नाम कमाया, हाँ मेरा पिताजी का नाम से अभी सबको जानता है कि फलना घर में ये करके आया, तुम लोग जानता है तुम लोग का कभी पेपर में नाम छपा हुआ है क्या, मेरा छपा, मेरा बेटी का छपा, मेरा बीवी का छपा, यहाँ तक कि मेरा घर का भी ये आया, ये अब ये 2 दिन के बाद में अभी टीवी में आएगा, तुम लोग कभी आया है ये, इस टाइप से मैं उनको चिढ़ाता, वो जिस टाइप से मुझे चिढ़ाते थे उस टाइप से मैं उनको चिढ़ाता था अभी।
ये खेला धुला निकल के बहुत आदमी मतलब उस लोग का माइंड जो है वो घूम गया है। आप बोलते हैं कि मतलब देखो लड़की होके कहाँ पहुँच गए, हम लोग जही का तही है ऐसा बोलता है। अभी वही लोग का मुँह अभी काला है, अभी नाम सुनता है तो अभी बोलता है कि बा देखो हम लोग ऐसा बोला, अभी लोग कहाँ से कहाँ पहुँच गए। तो गाँव का आस पड़ोस का जो है वो लोग बोलते हैं मिट्टी खिलाओ, तुम नौकरी कर रही है मिट्टी खिलाओ, मुझे बहुत खुश है, तुम्हारे ऊपर गर्व होता है, तुम आज फुटबॉल खेल के नौकरी पाई है। तो हम लोग भी चाहते हैं हम लोग के भी लड़का बच्चा सब ऐसा करे बोल के। मेरा सबसे पसंदीदा प्लेयर है मेसी और क्रिस्टियानो रोनाल्डो। अब सब प्लेयर से अलग ही खेलता है इसीलिए मेसी का खेल अच्छा लगता है। वो मतलब कटा कटा के वो खेलता है ना वो सर। हाँ मैं भी चाहती हूँ मैं भी उनके तरह बन सकती हूँ, क्योंकि कोशिश से कुछ ना कुछ तो बनता ही है। तो मैं भी कोशिश करती हूँ मैं भी इनके तरह बन सकूँ, और मैं भी ट्राई करती हूँ उसके तरह मारने के लिए। मतलब अभी जो भी खेले मतलब अभी क्या शादी करके भी खेल सकते हैं, मतलब बहुत इधर उधर शादी करके भी खेलते हैं, लेकिन घर का सपोर्ट चाहिए, अपना पति का सपोर्ट चाहिए। तो ऐसा होने से तो मैं भी खेलूँगी, मेरा शादी हो जाने से मैं भी खेलूँगी ऐसा सपोर्ट होने से। और मैं चाहती हूँ कि मतलब मैं खेलूँगी बोल के, तो मैं भी चाहूँगी कि मैं भी शादी होके बॉल खेलूँगी। अगर चाहे इसके लिए मुझे पति को ही छोड़ना क्यों ना पड़े तो मैं छोड़ दूँगी, लेकिन फुटबॉल नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि सबसे जीवन में मेरे फुटबॉल ही आता है, उसके बाद सब कुछ। अभी तो वो दुनिया नहीं है कि लड़के केवल करेंगे और लड़कियां नहीं करेंगे, लड़कों के बराबरी तो अभी ये दुनिया है कि हम लोग लड़के के बराबरी लड़कियां कर रही हैं। वो चीज़ का हम लोग सोचते थे और बोलते थे कि वो अपने जगह में सही है, हम लोग अपने जगह में सही है, तो हम लोग करेंगे जो पहना हम लोग पहनेंगे। और मैं सोचती हूँ कि मैं जो चीज़ कर रही हूँ वो चीज़ मैं सही कर रही हूँ, ये चीज़ मुझको अच्छा लगता है कि मैं सही हूँ। अभी कोई कुछ भी बोले मैं उसका जवाब दे सकती हूँ क्योंकि मैं सही हूँ। खुशूस का बंगरत्न मिला है, महसूस करता हूँ मैं भी बहन मेरा इतना साहसगर है जो दुआ उसको टिका के रख दी उत्तर बंगाल में। तो बंगरत्न होने के मतलब मैंने सारे पश्चिम बंगाल को टिका सकता है। तो हम भी सोचा ठीक है चलो, यही महसूस करता हूँ मैं भी गर्व से, उनका भाभी भी सोचता है उसका बेटा भी सोचता है, चलो यही लकी है मेरा भवानी मुंडा। बस हम उन लोगों को खेलने के लिए बहुत सुविधा देने की कोशिश करेंगे, मैंने जितना भी तकलीफ है उसको हम ढक देंगे, लेकिन वो लोग को मैंने जहाँ तक कोशिश करते थे हम कि खाने से लेके पहनने तक का हर चीज़ मतलब देने के लिए कोशिश करेंगे, लेकिन मुझे अभी भी नहीं लगता है कि मैं मतलब उस जगह पे पहुंच पा रही हूँ कि मतलब उन लोग को सुविधा दे सकूँ। तो हम चाहते हैं कि नहीं डुअर्स में जैसे कि कीचड़ में ही कमल का फूल खिलती है, तो वो हम सोचते हैं कि नेगेटिव थिंक हम कभी भी नहीं रखते हैं कि नहीं 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 होगा ये चीज़ हमारे द्वारा, हम लड़कियां हैं ये हम कभी नहीं सोचते हैं। हम चाहते हैं कि नहीं चाहे सूखा रोटी क्यों ना हो खाएंगे, लेकिन कुछ करके हम लोग देश के लिए मरेंगे, वो हम चाहते हैं।